हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं जवाद आप सभी का स्वागत करता हूँ इस नए ब्लॉग पे। बहुत दिन के बाद, यानी कि मेरा जो लास्ट ब्लॉग है वो एक महीना पहले डाला था, उसके बाद अब डाल रहा हूँ। तो कुछ परेशानी लाइफ में चल रही है, तो इस चक्कर में ब्लॉग वगैरह नहीं बना रहा हूँ। तो अभी जो है ना, मैं श्री बजाज दरभंगा आया हुआ हूँ, और वो किस लिए आया हुआ हूँ वो आगे आपको ब्लॉग में और थंबनेल से तो पता चल ही गया है। मेरी रानी घर पर लगी हुई है, इसकी रानी लेने के लिए हम लोग आए हैं। तो कौन सी है वो सारी डिटेल्स, कितनी की पड़ी, क्या है नहीं है, सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी। तो फटाफट से पेपर वर्क करवाते हैं, पेपर वर्क तो होता नहीं है, ऑनलाइन जो भी होता है वो करवाते हैं, उसके बाद गाड़ी लेके निकलते हैं। 2 hours later तो गाइस गाड़ी जो है ना डिलीवरी के लिए रेडी हो गई, तो पहले जो है ना केक वेक काटते हैं, उसके बाद निकलते हैं। आइए सर, जाइए पोजिशन पर, जाइए आप अपने। दूसरा जी, न्यूली अभी लॉन्च किया गया है कंपनी N150 को। इससे पहले N160 आता था, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? ये उससे कुछ इकोनॉमी में है जी, प्राइस भी कंपेरेटिवली उससे इकोनॉमी में, प्राइस उससे कम है, प्राइस उससे कम है। इसका एक शोरूम प्राइस क्या है? तो ये वाली जो बाइक है ना, ये N150 है, और निकलते हैं, फिर डिटेल्स बाद में बताते हैं आपको। The next day. तो गाइज अगले दिन में आपका फिर से स्वागत है, एक ब्लॉग में दो दो बार स्वागत कर रहा हूँ। तो जैसे कि बोला था कि इसके बारे में कुछ डिटेल्स आप लोग को बता दूँ, तो ये रही नई N150। ये वाली जो गाड़ी है ना, मतलब पहले N160 आती थी, लेकिन उसी का ये जो है ना छोटा वर्जन है। तो इसके बारे में डिटेल्स बोले तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लाइक N160 और इसमें डिफरेंस ये है कि उसमें ना डुअल चैनल ABS है, बट इसमें जो है ना सिंगल चैनल ABS है, जो कि सिर्फ फ्रंट में दे रखा है। बाकी लुक वाइज बोला जाए तो सारा कुछ सेम है। कलर ऑप्शन की बात कर लें तो इसमें जो है ना एक ये कलर आती है और एक वाइट कलर आती है, दो ही कलर आती है। अब शोरूम में जाओगे तो आपको ना रेड कलर में भी दिखेगी, तो रेड कलर वाला जो है ना वो N150 नहीं बल्कि P150 है। इसमें सबसे पहले जो सामने देख रहे हैं, ये सामने इसका हेडलाइट है, सेम जो अपना N150 है या P150 है, सेम उसका सेम है। लेकिन P150 में ना यहाँ पे जो है ना वाइज़र आ जाता है, छोटा सा एक वाइज़र आता है, इसमें वो वाइज़र नहीं आता है। और बाकी जो लाइट है वो LED है, उसका जो टेल लाइट है, टेल लाइट भी क्या है, LED दे रखा है। उसके बाद इसमें टायर की बात कर ले तो फ्रंट और रियर दोनों जो है ना ट्यूबलेस टायर है। फ्रंट टायर का साइज़ जो है ना 90-90-17 है, 90-90-17, और पीछे वाले जो टायर है वो है 120-80-17। और उसके बाद इंजन की बात कर लें तो 149 cc का इसका इंजन है। डिस्प्ले कुछ इस तरीके का है। इसमें एक बेनिफिट चीज़ जैसे कि हर गाड़ी में आती है, जो कि NS में नहीं है बट इसमें है, वो क्या है, ये चार्जिंग का USB इसमें दे रखा है। तो अपने को सिर्फ क्या है, माउंट लेके लगाना है और डायरेक्ट यहाँ से चार्ज कर सकते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट मेरे को लगता है। लेकिन NS 200 तक में जो है ना ये जो चीज़ है वो नहीं दे रखा है, अब पता नहीं क्यों नहीं दे रखा। इसमें और एक बेनिफिट है कि अभी जितनी भी गाड़ी आ रही है, लाइक 150 सेगमेंट से ऊपर जितनी भी गाड़ी आ रही है, सब में जो है ना किक जो है निकाल दिया है, बट इसमें कंपनी ने किक भी दिया है और सेल्फ स्टार्ट भी दे रखा है। तो कभी इनकेस हम लोग फंस जाते हैं या गाड़ी सेल्फ ख़राब होती है, तो इसको हमें बैल गाड़ी या धक्का गाड़ी नहीं बनाना पड़ेगा, हम जो है ना किक से इसको स्टार्ट कर लेंगे। और क्या चीज़ इसकी बाकी रह गई है, तो अब हम मेन बात कर लेते हैं माइलेज की। तो ये गाड़ी जो है ना कंपनी क्लेम करती है 48 km/L, तो वो तो फिर डिपेंड हमारे चलाने पे करता है, और जो कंपनी क्लेम करती है उससे 4-5 km कम ही देती है। और इसमें जो है ना अपडेटेड फ्यूल E20 भी आ गया है, E20 नया पेट्रोल, जो अभी जितनी भी गाड़ी आ रही है सब E20 है, यानी कि ये नॉर्मल पेट्रोल पे भी चलेगी और E20 पर भी चलेगी।
उसके बाद इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 14 लीटर, बाकी सारे बटन्स की क्वालिटी भी ठीक ठाक ही लग रही है। और एक चीज़ मेरे को यहाँ पे जो है ना, पर्सनली मेरे को जो दिक्कत लगी वो ये जो चाबी लगाने का जो है ना, ये थोड़ा ऑड हो जाता। ऑड कैसे हो जाता है कि जब हम चाबी लगाते हैं ना तो हाथ हमारा ये चीज़ इसमें क्या होता है, फंसता है। तो ये चीज़ अगर आग मतलब यहाँ यहाँ दे देता या यहाँ तो और अच्छा, या इससे थोड़ा और दूर हो जाता, ये मेरा ओपिनियन है। क्या पता सबको भाई, सबकी अपनी अपनी क्या बोलते हैं चॉइसेस रहती हैं। तो एक बार मीटर ऑन कर देते हैं और इसका जो है ना साउंड नोट आपको सुनवाएंगे। तो नॉर्मल ये आरपीएम मीटर हो गया, ये डिजिटल मीटर दे रखा है। ये हेडलाइट जो है ना कुछ इस तरीके का है, लाइक ये हल्का हल्का, देखो आप लोग बताना थोड़ा, जो एमटी में आता सेम वैसी हल्का हल्का लग रहा है कि नहीं, इसके सामने का हेडलाइट। उसके बाद एक बार आवाज़ इसकी सुनवाते हैं। इसमें जो है ना अंडरबेली दे रखा है और आवाज़ बोले तो एक नंबर ही है। और गियर इसमें जो है ना 5 गियर है, सेम एक नीचे और बाकी 4 ऊपर। तो जितनी भी चीज़ें बताएं ये जो है ना एनफ है मेरे हिसाब से, जो लोग इसको लेना चाहते हैं। एक चीज़ मैं भूल गया था, इसका सीट हाइट। तो सीट हाइट इसका 790 mm है, जो कि शॉर्ट राइडर के लिए भी ये ठीक है। और रात में मैं ये गाड़ी चलाया हूँ, तो अब जाहिर सी बात है नई गाड़ी है तो स्मूथनेस आएगी। अब कुछ दिन चलाने के बाद, सर्विसिंग के बाद इसका जो है ना समझ में आएगा कि स्मूथ चलती है या नहीं चलती है। अब बाकी रह गए इसके प्राइस के बारे में। तो ऑन रोड दरभंगा में इसका जो प्राइस है वो 1,41,500 अराउंड है। तो आप अगर लेना चाहते हो, और रही फाइनेंस की बात, ये सबसे बड़ा पॉइंट्स रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, अभी मेरे अकॉर्डिंग 70-80% लोग जो है ना इसको फाइनेंस करवाते हैं। तो फाइनेंस के इसमें मैं बोलूँगा कि जितना अच्छा आपका सिविल रहेगा उतना कम आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तो एक बार आप अगर लेना चाहते हो तो दरभंगा श्री बजाज में जाओ, विज़िट करो, वहाँ और भी डिटेल्स जो छूट गया हो मेरे से तो वो आप पता कर लो। और दरभंगा में हमारे भाई जो है ना फर्स्ट कस्टमर है N150 के। तो ये जो है ना कल गाड़ी चलाया, एक बार इसका पॉइंट चेक कर लेते हैं कि चलने में गाड़ी कैसी है। मक्खन बस, मतलब अभी के लिए मक्खन ही वर्ड रहने देते, कुछ दिन के बाद फर्स्ट सर्विस वगैरह होगी तो और डिटेल। तो ये वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और ये प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से ये बेस्ट गाड़ी है। तो आप लोग जाओ चेकआउट करो, लो खरीदो, एंजॉय करो, लाइफ है यार, फुल एंजॉय करो। जो लोग बोलते हैं ना कि पैसा कमा के रखो, सेव करके रखो, भाई मेरा ओपिनियन, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे कहने का मतलब कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पैसे जमा करूँ, कल को मर जाऊँ तो उसका पैसा कोई और लूटेगा, एक्सेप्ट पेरेंट्स के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। लाइक पेरेंट्स हम लोग को यार इतना बड़ा किया है तो जाहिर सी बात है कि उनको देना बनता है, लेकिन वो छोड़ के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो लाइफ है, एक ही लाइफ है, एंजॉय करो। और एंजॉय करने का ये मतलब नहीं है कि हमसे जो है ना दूसरे को कोई नुकसान हो या कुछ, लाइक ये नहीं कि अपनी खुशी के लिए किसी को परेशान करना या कुछ करना। सो समझ रहे हो मेरा पॉइंट कहाँ जा रहा है, पूरा डिटेल में नहीं जा सकते। तो ये वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।